कैसी हैं आप परी? ठीक है ना, ठीक ठाक है। कैसी हैं? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आप अबायाज डिजाइन कर रही हैं? मैं बेसिकली वैसे जो रिसेंटली काम शुरू किया है, मुझे तकरीबन 1 ईयर हुआ है। अच्छा। और उसके अलावा लेकिन ये है कि अबायाज के बारे में जो जानती हूँ, खुद करती हूँ, तो उसको तकरीबन 10 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, अबायाज के पहले आपने खुद लेना शुरू किया था हिजाब? पहले खुद लेना शुरू किया था, फिर सीखना शुरू किया था। अच्छा। फिर बनाना शुरू किया था। और उसके बाद क्या अपने बनाने से शुरू किया था कि पहले मैं अपने लिए बनाऊं? और पहले अपने लिए अपने लिए किया था। तो फिर सब तारीफ करते होंगे कि तुम बहुत प्यारे अबायाज बनवा। तो आप कढ़ाइयां करवाती थी, क्या करती थी अपने अबायाज? पहले जब अपने लिए करती थी तो सिंपल से स्टार्ट किया, फिर सबसे पहले हिजाब। एक्चुअली हिजाब हमारे यहाँ ज्यादातर वो है कि हिजाब के स्टाइलिंग ट्यूटोरियल्स देखना, खुद सीखना, खुद बनाना जी कर लेती हूँ। तो अलग कितने स्टाइल आते हैं आपको हिजाब लेने के? तकरीबन 10 तो कर लेती हूँ, 10 to 15, जैसे आराम से बना, खुद से ट्राई कर करके नए से नए बना लेती हूँ। अच्छा, टेक्निक्स क्योंकि अब, और मैंने ये देखा है कि अब बड़ी जिद्दत आ गई है। बहुत कैप्स अंदर मिलती हैं, कैप्स। एक ड्रामा था कोई, उस माया अली जो थी, उन्होंने हिजाब कैरी किया था, बड़ा डिसेंटली किया था उन्होंने। और वो कैप्स आ गई है, मुझे मांग वाली कैप्स भी आ गई है। हाँ जी, पहले लड़कियां खुद ट्राई करती रही हैं, अब जो है वो मार्केट में कैप्स अवेलेबल, इजी हो गया कि हर बंदा पहने और बांध ले उसको, इजी हो गया। ठीक है, तो हम आज आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं अबाया से रिलेटेड। साथ साथ बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंट्स भी होती हैं कि हिजाब करती हैं वो रेगुलरली तो उनके बाल जो हैं वो गिरने लगते हैं। क्या वजह है कि हिजाब करने के बाद ज़्यादा जब रेगुलरली करते हैं आप तो बाल गिरने लगते हैं? इसकी सारी वजूहात हम पूछेंगे, उसकी हिफाजत कैसे की जाए। साथ साथ कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम हिजाब किया, हमने अबाया पहना और उसके बाद हम घर पहुँचे तो हमने अबाया एक जगह लटका दिया और फिर वो हफ्तों तक दो हफ्ते तक लटक रहा, धुल नहीं रहा। सही। तो ये कपड़ा है जो आप पहन रहे हैं उसको भी वैसे ही धुलना चाहिए जो आप सलवार कमीज पहन रहे होते हैं। तो उसकी सफाई, उन सारी चीज़ों का आज हम कवर करने वाले हैं अपने शो पे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपनी प्यारी सी लड़कियां कि वो अबाए में भी कितनी हसीन लग सकती हैं।
इतनी मुस्कुराए जा रही थी कि तुम सीरियसली तुम लोग इतनी कोई हसीन लग रही है आज, तुम मासूमियत, और मैं वाकई तुम लोगों को देख के ना खलीलुर रहमान कमर की ये बात है कि जितनी औरत छुपी हुई सिमटी हुई कपड़ों में वो ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय लाइक दूसरे कपड़ों के, ये वाला जो क्या कहते हैं ये अटायर है इसमें तुम लोगों की चेहरे पर ही अलग किस्म का नूर है, मासूमियत है, माशाल्लाह वाकई सब बहुत प्यारी लग रही हूँ।